दोस्तों बहुत से यूट्यूबर्स जो भी यूट्यूब के ऊपर काम करने आ रहे होते हैं, उनको ये मसला आ रहा होता है कि उनके 1000 जो सब्सक्राइबर है वो भी कंप्लीट हो चुके होते हैं, जो 4000 घंटे की वॉच टाइमिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी होती है, लेकिन फिर भी उनकी जो सी मोनेटाइजेशन है या तो वो रिजेक्ट हो जाती है या फिर वो डिले हो जाती है, उसको यूट्यूब उसको वेरीफाई करता ही नहीं है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ कि क्यों जो सी मोनेटाइजेशन है वो अंडर रिव्यू ही रहती है या फिर बाद वो रिजेक्ट भी हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हमजा नईम, आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल गुफ्तगू। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो मेरे लोग मेरे चैनल पे न्यू है, न्यू वीडियो पहली दफा वीडियो देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आखिर में अगर वीडियो मेरी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये प्रॉब्लम आती क्यों है। देखिए, जो स्टार्ट में जो यूट्यूबर यूट्यूब के ऊपर आते हैं वो मोनेटाइजेशन पॉलिसी तो जरूर पढ़ते हैं कि यूट्यूब ने कहा है कि 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइमिंग चाहिए, और नीचे लिखा भी होता है कि 12 महीने के अंदर। ठीक है, वो हिसाब साफ लिखा होता है। अब बाज लोग वो अपनी 1000 जो सब्सक्राइबर है 4000 घंटे की वॉच टाइमिंग एक साल के अंदर पूरी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद जो यूट्यूब है उसको वेरीफाई नहीं करता, रिव्यू के अंदर रखता है या रिजेक्ट भी कर देता है। ठीक है, अब यहाँ पे मसला क्या आता है, हम तो कहते हैं कि जो साल का स्टार्ट है वो जनवरी 1 जनवरी है। ठीक है, और दिसंबर लास्ट मंथ, उसका लास्ट मंथ है, उसके बाद ये साल पूरा हो जाता है और इस साल के अंदर अंदर हमें 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइम पूरी करनी पड़ती है। लेकिन जो यूट्यूब का सिस्टम है वो इसके बिल्कुल उलट है। ठीक है, अब यूट्यूब का जो साल है वो कब स्टार्ट होता है, यूट्यूब का जो साल है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होता है और अगले साल की 20 फरवरी भी जाके खत्म होता है। ठीक है, अब ये इसकी वजह क्या है, जो यूट्यूब है अगर आप उसकी नेट पे सर्च करके देखें, जो इस यूट्यूब का जो सा पब्लिश जब इसकी वेबसाइट पब्लिश हुई थी उसकी जो डेट है वो 20 फरवरी है। ठीक है, तो उसी वजह से उसने यूट्यूब ने अपने साल का शुरू और साल का एंड 20 फरवरी रखा हुआ है। ठीक है, अब जो लोग 20 फरवरी के बाद, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना जून में चैनल क्रिएट किया, ठीक है, जून के अंदर चैनल क्रिएट किया है, अब मैं जून को स्टार्ट करता हूँ और अगले 5 जून लगा ले डेट आप, ठीक है, 5 जून को मनाया, अगर मैं अगले साल की 5 जून तक जाके, अब 5 जून से दिसंबर तक उस साल की मेरे सिर्फ हुए थे 700 सब्सक्राइबर्स। ठीक है, और अगले जो 300 सब्सक्राइबर्स है वो मैंने अगले साल की 5 जून तक जाके कंप्लीट किए। ठीक है, अब मैं इसी कंफ्यूजन में रहूंगा कि मेरे साल तो कंप्लीट हो चुका है, एक साल के अंदर अंदर मैंने 1000 सब्सक्राइबर किए लेकिन फिर भी यूट्यूब उसको वेरीफाई नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, जब आप 5 जून को आप चैनल क्रिएट करेंगे, ठीक है, तो जो YouTube का ईयर है वो 20 फरवरी, उसी साल की 20 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अगर आपने 5 जुलाई को भी बनाया, 5 जून को बनाया चैनल, तो आपको वो जो सब्सक्राइबर है वो अगले साल की 20 फरवरी तक कंप्लीट करना ही होंगे और जो उसकी 4000 घंटे की वॉच टाइम है वो भी कंप्लीट करनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो उसको रिजेक्ट कर देता है या अंडर रिव्यू कर देता है। तो ये सबसे बड़ा मसला आ रहा होता है यूट्यूबर्स को, यूट्यूब पर काम करते वक्त बहुत से लोगों को ये मसला आ रहा होता है और वो परेशान होते हैं कि क्यों हमारी जो मोनेटाइजेशन है वो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद भी अंडर रिव्यू है। ठीक है, तो यही बेसिकली इसका मसला होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि 20 फरवरी से स्टार्ट हो के जो साल है 20 फरवरी अगले साल की 20 फरवरी तक खत्म होता है। ठीक है, इस साल के अंदर अंदर आपको जो है अपने 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे की वॉच टाइमिंग कंप्लीट करनी होगी, तभी यूट्यूब आपका जो चैनल है वो वेरीफाई करेगा, अदरवाइज वो अंडर रिव्यू रखेगा या बाज बाद वो रिजेक्ट भी कर देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक जरूर कीजिएगा, अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का, अल्लाह हाफिज़।